फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे हलवाई जैसी खस्ता मटरी। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक मटरी वगैरह में थोड़ा तेज अच्छा लगता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा सही नमक डालें। और ये आधा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके। और हम डालेंगे ये काली मिर्च। इसमें काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इसमें काली मिर्च डालें और मोटी कुटी काली मिर्च डालें। ये देखिए, मैंने करीब ये 8-10 काली मिर्च ले ली हैं, 10-12। इनको मैं मोटा कूट लूँगी। तो मोटी कुटी हुई काली मिर्च हम डालेंगे इसमें। अब सब चीजों को मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। अब मोयन के लिए हम घी डालेंगे। मोयन हम घी का ही डालेंगे, घी के मोयन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। करीब ये वाली चम्मच भर के मैंने 5 बड़े चम्मच घी डाला है। अब हम मिक्स करके देख लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा मोयन हमारा बंद नहीं रहा है, तो मैंने 3 चम्मच घी और डाला है। यानी हमने ये छोटी वाली चम्मच भर के 8 चम्मच घी डाला है इसमें। देखिएगा कितनी खस्ता हमारी ये मठरियाँ बनती हैं एकदम। देखिए, ये हमारा लड्डू जैसा बन गया है। अब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसका पानी डाल के हल्का हल्का आटा गूंथेंगे। और आटा हमको इसका टाइट लगाना है, सॉफ्ट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, कुछ ज्यादा मथेंगे नहीं आटे को, बस थोड़ा सा इकट्ठा सा ही करेंगे। अगर हमने ज्यादा मथ दिया, इसको मल दिया आटे को, तो इस जो मठरी है ना, वो हमारी कुरकुरी नहीं बनेगी। फिर तरह का टाइट आटा हम लगाएंगे। अब हम इसको ढक कर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको घी, ऑयल किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए हमारा आटा, अब हमें इसको ज़्यादा मथना नहीं है, ज़्यादा मलना नहीं है इसको। बस जितनी बड़ी मटरी आपको बनानी है, आप उतनी बड़ी इसमें से लोई तोड़ लें, बराबर बराबर के साइज की लोइयां तोड़ लें आप। ये देखिए, 1 कप आटे में मेरी 7 लोइयां बनी है, यानी कि 7 मथरी बनेंगी। तो आप इसको हाथ से ही इस तरह से फैलाएं, ज्यादा पतली ना करें आप इनको इस तरह से। ये देखिए बस। और ऐसा नहीं है ये गोली बने, कोई भी साइज की बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इनको फोक से ऐसे कर देंगे जिससे ये फूले नहीं, और ये अंदर तक इनकी सिकाई हो जाए अच्छे से। सबको हम अंदर से इस तरह से होल कर देंगे, इस तरह से हम सब में होल कर देंगे फोक से। और बिल्कुल धीमी आंच पे इनको सेकेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। सारी मठरियां हम ऐसे ही हाथ से बना के इसमें डालेंगे।
क्रिस्पी करारी खस्ता हलवाई जैसी मठरी आपकी बनके तैयार है। चाय के साथ इनका मजा लीजिए। झटपट बन गया हमारा स्नैक्स। आप चाहें तो इस आटे में थोड़ी सी सूजी भी मिला सकते हैं। हल्का हल्का पलट देंगे हम थोड़ा थोड़ा सा। हल्की हल्की ये गोल्डन हो गई है, बस ऐसे ही धीमे आंच पे हम इनको सेकते रहेंगे। हमारी मठरी कितनी करारी सिक गई है, हमें इनको ऐसे ही सेकना है और ज्यादा नहीं करना, वरना ये थोड़ा कड़वापन सा देंगी एकदम। ये इनका बेस्ट है सेकने का, एकदम गोल्डन कलर आया है। बस ऐसे ही हमको इन्हें सेकना है, हम सारी मठरियाँ ऐसे ही सेक लेंगे। हमारी हलवाई जैसी खस्ता मठरी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।